कुएं में उतरने वाली जो बाल्टी होती है ना, यदि वो झुकती है तो भरकर वो बाहर आती है। ऑब्वियसली बात है कि जब आप यहाँ पर किसी कुएं के अंदर का कोई चीज़ फेंकेंगे और उसको आप वापस बाहर निकालोगे, तो पहले वो जाके एक बार टर्न होगी, उसके बाद वो पूरी तरीके से भर के बाहर आती है। जीवन का भी कुछ ऐसे ही है, हमारी जो लाइफ है ना वो भी कुछ ऐसी ही है। जब तक आप अपनी लाइफ में झुकते नहीं हो, तब तक आपको पूरी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता। सफलता का मिलना तो देखो तय होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आज एग्जाम नहीं होगा, कल एग्जाम नहीं होगा तो फिर एग्जाम ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है। सफलता का मिलना तो तय होता है, देखना तो यह है कि आप उसकी कीमत चुकाने के लिए कितना तैयार हैं। ये तो यहाँ पर ये जो थॉट है ये बहुत सारी वैसे बातें आपको सिखाता है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको इस थॉट ने ये सिखा दी है कि जब भी आपको लाइफ में कुछ चाहिए होता है तो उसके बदले में आपको कुछ देना जरूर पड़ता है, ठीक है? ये वैसा वाला नहीं होता है कि अच्छा ठीक है हम बैठे हुए हैं अभी सफलता खुद आएगी चल के क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसकी ज़रूरत हमको है तो हमें वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। जो कुआं है वो कभी प्यासे के पास देखा है, कभी कुआं चल के आता है, कभी देखे हो? ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी एफर्ट्स होते हैं, जो भी काम होते हैं गोल को अचीव करने के लिए, वो हम ही को करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा लाइफ में होता है कि हाँ हमें यहाँ पे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है, कई बार होता है हमारे पेरेंट्स हमें सुना देते हैं, कई बार होता है हमारे बहुत ही खास दोस्त होते हैं वो हमें सुना देते हैं, और पड़ोसियों का तो काम है सुनाना क्योंकि वही वाली बात है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये हर एक के लाइफ में आती है, एक या दो पर्सन की बात नहीं है यहाँ पर। तो इन सिचुएशन से निकल के चीज़ों को और ज़्यादा पॉजिटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।